हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रिशु के टिप्स। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ हलवाई वाले गुलाब जामुन की रेसिपी। उनके सारे सीक्रेट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, और बिना किसी झंझट के। ना इसमें आपको खोए को बहुत ज़्यादा मैश करना है, ना इतनी ज़्यादा आपको मेहनत करनी है। सिर्फ सिंपल से टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो कीजिए और इसे रोज़ अपने घर में बनाइए। आई होप कि ये मेरा वीडियो आज सबके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चढ़ा देते हैं चाशनी। ये मैं बाउल चीनी ले लिया है, इसमें डालेंगे कढ़ाई में। मैंने इस बाउल से चीनी लिया था, उतना ही मैं इसमें पानी डालूंगी। जब हमें चाशनी तैयार करनी है उसमें एक या दो तार बिल्कुल नहीं होंगे। हमें इतनी गाढ़ी उसकी कंसिस्टेंसी करनी है जितनी कि आपकी शहद की होती है, मतलब अच्छी खासी वो चिपचिपी सी होनी चाहिए। तो अब हमने इसमें यह चीनी डाला और साथ ही साथ हम ये कुटी हुई इलायची डाल देंगे, और बीच बीच में इसको धीरे धीरे चलाते रहेंगे कि चीनी नीचे लगे नहीं। मैं आपको जो रसगुल्ले की रेसिपी बताने जा रही हूँ, इसका जो रेशियो है और जिस ट्रिक से मैं बनाऊँगी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए देखिए, हमने 250 ग्राम हमने लिया है खोआ, ये भी कच्चा खोआ है। तो करीब 250 ग्राम खोए में हम लेंगे 25 ग्राम मैदा और करीब 4 ग्राम हम इसमें लेंगे खाने वाला मीठा सोडा। तो इस खोए को एक बाउल में ऐड कर लेते हैं। ये करीब 25 ग्राम मैदा हम इसमें मिलाएंगे और करीब 4 ग्राम खाने वाला सोडा। हमें पहले डो तैयार कर लेंगे, अच्छे से ये मिक्स किया हमने। और देखिए, हमने एक ग्रेटर लिया है, इसके दोनों साइड हमने अच्छे से घी को लगा लिया है। इसकी एक बॉल बना ली है इस डो की। कम से कम इसे 5 से 6 बार हम इसमें ग्रेट करेंगे। ग्रेट इसलिए करेंगे कि पहले अगर हम ग्रेट नहीं करते थे तो हम इसे खूब अच्छे से मैश करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। लेकिन अगर आप इसको ग्रेट करिएगा, ये इवनली इसमें जो सारा मिक्स तीनों चीज़ हमने मिलाया है, मैदा, खोआ और सोडा, तीनों चीज़ हमने जो मिलाई है वो बहुत अच्छे से मिल जाएगा, ये देखिए। और धीरे धीरे हम इसे ग्रेट करते जाएंगे। ये हम पहली बार ग्रेट कर रहे हैं और इसी सेम प्रोसेस को कम से कम हमें 5 बार ग्रेट करना होगा। बिल्कुल दबा दबा के हाथ से करिए ग्रेट, कि ये होता जाए ग्रेट। ग्रेट होने के साथ साथ ये मिक्स भी हो रहा है। घी ज़रूर लगा लीजिएगा, नहीं तो पूरा ये ग्रेटर में ही चिपक जाएगा, निकालने में इसको दिक्कत होगी। एक साइड कैसे ये पूरा ग्रेट होता जा रहा है। इस तरह इसको एक बार ग्रेट किया है, फिर से हम इसकी डो तैयार करेंगे और फिर से हम इसे कम से कम 4 बार और ग्रेट करेंगे। तो देखिए, करीब ये 5वीं बार हमने इसको खूब अच्छे से ग्रेट किया था, और अब इन सारी को इकट्ठा करके हम इसका एक डो बना लेंगे। ये समय इतना सॉफ्ट है, ये जैसे लग रहा है मैंने रुई की बॉल ली है, ये लग ही नहीं रहा है कि इसमें खोआ है। क्योंकि ये करने के इस प्रोसेस को करने से क्या होगा, ये एक तो इवनली इसका सारा प्रपोर्शन अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा, और साथ ही साथ इसके अंदर एयर की फॉर्मेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी। ये जस्ट लाइक अ क्रीम, ये बहुत अच्छा सा बहुत सॉफ्ट डो है। अब हम इसे करीब 5 मिनट छोड़ देंगे सेट होने के लिए। ये देखिए, 5 से 10 मिनट हो गया है, ये डो हमारा और सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इनकी बनाएंगे बिल्कुल छोटी छोटी गोलियाँ, क्योंकि अभी ये जब चाशनी में जाएंगी तो अभी ये फूल भी जाएंगी, इतना बड़ा बड़ा डो हम इसका काटेंगे। देखिए, ऐसे कुछ पीसेस हमने तैयार कर लिए। अब जो हमारी ये लोइयाँ हैं को हम बनाएंगे गोल, और इनके बीच में पहले हम हल्का सा ऐसे प्रेस करेंगे। ये होते हैं इलायची दाने, जनरली हम लोग प्रसाद में चढ़ाते हैं। ये हम इसके एक सेंटर में रख के वापस इससे कवर करके ऐसे, और अब हम इसे कर लेंगे गोल। अब बिल्कुल ये जो लोई बनेगी ये बिल्कुल क्रैक फ्री बनेगी। अब बिल्कुल भी इसमें क्रैक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हल्के हाथ से आप इसको बनाओ। आपको हाथ अपना सूखा लग रहा हो या क्रैक आ रहा हो तो आप हल्का सा हाथ में घी भी लगा सकते हैं। ये देखिए, देख रहे हैं, कहीं पे भी कोई क्रैक नहीं पड़ा है इसमें। तो इसी तरह हम सब में रखेंगे इलायची दाना और सबकी हम बना लेंगे इसी तरह की गोलियाँ। जनरली इसमें इलायची दाना हम लोग इसलिए भरते हैं कि जब आप बीच से भी इसको काटेगा तो आपको अंदर से भी मिठास मिलेगी इसमें। अगर आप इलायची दाना नहीं भरना चाहते तो आप इसमें इलायची के भी दाने भर सकते हैं। तो देख रहे हैं आप सब कितनी चिकनी और कितनी सॉफ्ट हमारी बॉल्स सारे तैयार हो गए हैं। अब हम एक साइड घी को करते हैं गरम। चाशनी हमारी बन के तैयार हो गई है। चाशनी कितनी गाढ़ी हो गई है, देख रहे हैं कितनी, हमारा बिल्कुल लो है, मतलब इससे कम अगर हम करेंगे तो हमारी गैस बंद हो जाएगी। और बहुत धीमे धीमे हमें इसे यूं ऐसे ऐसे हल्के हल्के हिलाना है कि ये चारों तरफ इसमें हीट बराबर से, और एक साइड ये ज़्यादा लाल ना हो। हल्के हाथ से हम इसको चलाते रहेंगे। फ्लेम यहाँ पे तेज करेंगे, वो ऊपर से 1 सेकेंड में लाल हो जाएंगे पर अंदर से वो बिल्कुल कच्चे रहेंगे। तो अच्छे से इनको सीजने के लिए हमें बिल्कुल इसे लोएस्ट फ्लेम जिसे कहते हैं, हमें उतने फ्लेम पर इसको रख के ये काम करना है। तब बढ़िया फ्राई हुआ है, देखिए कहीं कोई क्रैक है ना कुछ, दिख रहे हैं। ग्रेट किया था उससे ये बिल्कुल मक्खन बन चुका है, मक्खन।
और अब देखिए ये कितने बढ़िया से ये इवनली बिल्कुल, और देखिए साइज़ भी इनकी थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है, और जब अभी ये शीरे में जाएंगे तो इनकी साइज़ और बड़ी हो जाएगी। देख रहे हैं कितने छोटे छोटे बॉल्स थे अभी फूल फूल के, कितने अच्छे से, कितने क्रीमी टेक्सचर है इसका, बिल्कुल कहीं से भी ये टूटा नहीं है, बहुत सुंदर लग रहा है। और ये देखिए अब ये धीरे धीरे लाल होना शुरू हो गए हैं, देख रहे हैं, और सारे इवेंटली क्योंकि हम इसको कंटिन्यूसली स्टर करते जा रहे हैं, तो ये देखिए सब इवेंटली लाल हो रहे हैं, देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये, वाओ। ध्यान रखिएगा जब भी हम इसको शीरे में ऐड करेंगे शीरा हल्का गुनगुना होना चाहिए। तो देखिए अब ये धीरे धीरे लाल हो रहे हैं, अब हम गैस बंद करेंगे और इनको हम डाल देंगे शीरे में, और करीब 1 से 1.5 घंटा हम इसको छोड़ देंगे शीरे में ही। रैप हमने अपने ये रसगुल्ले रखे थे और ये कितने बढ़िया देखिए इसमें फूल चुके हैं, अब करीब 1 से 1.5 घंटा हमने इनको इसी चाशनी में छोड़ दिया था, इनका साइज अब कितना बड़ा हो चुका है, देख रहे हैं ये लग रहा है कि ये घर के हैं। आइए हम आपको इसका टेक्सचर चेक कराते हैं, वाओ सो यमी। मैं आपको एक का टेक्सचर चेक करके बताती हूँ, वाओ कितने सॉफ्ट है ये, देख रहे हैं ये अंदर से भी कितना जूसी है, तो इसे ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, मेरे इस वीडियो को खूब सारा प्यार और लाइक दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, टिल देन गुड बाय।